नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। समाजवादी पार्टी के एक नेता की देवी सीता को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ गया है। नेता का नाम है विकास यादव, उत्तर प्रदेश के भदोही में सपा के जिलाध्यक्ष हैं। विकास यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि इसी वीडियो में उन्होंने सीता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद विकास यादव ने माफी मांग ली है। जानते हैं इस वीडियो में क्या है। एक ट्विटर यूजर रमाकांत शुक्ला ने इस वीडियो को शेयर किया है। इसमें उन्होंने सीता को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने का दावा किया है। ट्वीट के कैप्शन में रमाकांत शुक्ला ने लिखा है, भदोही की समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास यादव माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और साथ में उन केवट निषाद को भी बदनाम कर रहे हैं कि केवट की नजर माता सीता पर थी। ऐसी अभद्र टिप्पणी हमारे देवी देवताओं के प्रति बर्दाश्त नहीं है। वीडियो में विकास यादव कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि निषाद राज की नजर सीता पर थी और वो सीता को ही नदी पार ले जाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा कहा है ये साफ नहीं है। वीडियो देखकर ये लग रहा है कि विकास यादव नाव पर मौजूद अपने साथियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने निषाद राज और सीता का जिक्र किया था। बहरहाल वीडियो सामने आने के बाद भदोही पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता की टिप्पणी पर बवाल बढ़ता देख उसने बताया कि मामले का संज्ञान लिया गया है। ट्विटर पर पुलिस ने लिखा, प्रभारी साइबर सेल भदोही द्वारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के कई नेताओं ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस बीच विकास यादव ने इसे लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें वो कह रहे हैं, मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल गंगा दर्शन के दौरान नाव की यात्रा करते समय नाविक द्वारा ये कहा गया कि हमारी उतराई भगवान भी नहीं दे सके थे। हमने कहा कि पहले ही बता दीजिए कि नाव में बिठाने के क्या दाम लेंगे, क्योंकि बाद का झंझट ठीक नहीं होता है। इस पर उसने कहा कि हमारी उतराई तो भगवान राम भी नहीं दे सके थे। हम लोग नाव पर बैठे नौका विहार के दौरान ये आया कि प्रभु को ही वश में करने के लिए नाविक ने ऐसा कहा था। इस दौरान मेरे मुंह से ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात निकली हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। विकास यादव ने सफाई में कहा कि उनके मुंह से अनायास ही ऐसी बात निकल गई। उनकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सपा नेता बोले कि वो खुद धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं। विकास ने कहा कि वो आगे से भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी धीरज ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।